कैंसर। सबसे पहले आपके जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या ये जिंदगी का द एंड कर देगा। हाल ही में पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान की कैंसर स्टोरी हमने सुनी। हिना खान इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड स्टेज से गुजर रही हैं। अपनी सर्जरी से लेकर कीमोथेरेपी तक हिना ने अपने सब स्कार्स बहुत ही हिम्मत के साथ अपने फैंस को दिखाए, अपना दर्द बयां किया और उन तमाम लोगों को मोटिवेट किया जो इस जंग को लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिरकार इतनी फिटनेस के बाद, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद सेलिब्रिटीज को ये कैंसर क्यों हो रहा है। इसके लिए हमने डॉक्टर से बात की और उन्होंने भी हमें कई ऐसे कारण बताए। इसके साथ हाल ही में प्रोड्यूसर कृष्ण कुमार की 21 साल की बेटी तिशा कुमार ने कैंसर से जंग हार ली, इसीलिए हर कोई बेचैन है कि आखिरकार कैंसर क्यों बढ़ रहा है, क्यों सेलिब्रिटीज इसका शिकार हो रहे हैं। तो सेलिब्रिटी का स्टेटस, हम लोगों ने किसी को सेलिब्रिटी बोल दिया, लेकिन कैंसर के लिए ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन सेल है। दूसरी बात, सेलिब्रिटी का मतलब जो आप समझते हैं, जो हम समझते हैं, जो समाज समझता है, वो देखने में खूबसूरत हो, फिट हो, टेलीविजन पे आता हो, बिल्कुल यही सेलिब्रिटी है। लेकिन उसके अंदर के दर्द को, दर्द एट डीएनए, ये हम लोगों को नहीं बताया। आपको बता दें, जब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तो ये कैंसर की शुरुआत होती है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही ये कोशिकाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि ये शरीर के सामान्य बॉडी सेल्स में घुसपैठ करके उन्हें नष्ट कर देती है। एक बार कैंसर होने के बाद ये पूरे शरीर में फैल सकता है। कैंसर कितनी घातक बीमारी है ये तो आप जानते ही होंगे। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। इसीलिए कहते हैं कि कैंसर की स्क्रीनिंग सबसे पहले करनी चाहिए। अगर आपको अपनी बॉडी में किसी भी तरह के चेंजेस लगे तो तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, कई सारे ऐसे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है, जैसे थकावट होना, शरीर में कहीं गांठ होना और त्वचा के बाहर वो महसूस होना, वेट में बदलाव होना, कभी वजन ज़्यादा बढ़ना या घटना, स्किन में बदलाव महसूस करना, जैसे स्किन कभी अगर आपकी येलो पड़ रही है या रेड हो रही है, स्किन पर कोई घाव होना जो जल्दी ठीक ना हो, दिल और मसों में बदलाव होना, आपके बोवल मूवमेंट और ब्लैडर की आदतों में बदलाव होना, लंबे वक्त तक खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना। अगर आपको खाना निगलने में या पानी पीने में दिक्कत हो रही है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। आपकी आवाज में कर्कशता या फिर आपकी आवाज में बदलाव आना, लगातार इंडाइजेशन होना या फिर एसिडिटी होना, लगातार बिना कारण आपकी मसल्स या फिर जॉइंट्स में पेन होना, लगातार बुखार आना या फिर रात में पसीना आना, ऐसे तमाम इंडिकेशंस हैं जो हमारी बॉडी पहले ही हमें साइन देती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आजकल की भागदौड़ में स्ट्रेस होना आम है। इसके साथ हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करने में असमर्थ रहते हैं। मगर क्या योगा से होगा? क्या योगा कैंसर को होने से बचाता है? या फिर अगर आपको कैंसर हो जाता है तो क्या योगा उस पे मदद करता है? इसके लिए हमने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार से बात की और उन्होंने हमें ये सटीक जानकारी दी। आप भी सुनिए योगा के कितने फायदे हैं। योग हमारी जीवन शैली, हमारी पद्धति है, और योग अगर करें तो 6 टॉप की बीमारियां आपको नहीं छुएगी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओबेसिटी, ये नहीं आएगा आपके पास। तो प्रिवेंशन में योगा में फिर करना क्या है सर? क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं है, वो बस सोचता है कि बस सांस अंदर बाहर ले, वही योगा हो गया। गलत है, प्रिवेंशन में योगा का रोल है। अब कैंसर का इलाज चल रहा हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी से रिकवरी हो रही, उसमें योगा का रोल है। इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, अफसोस कि रिसर्च बाहर से पब्लिश हुआ है, कि अगर कैंसर से रिकवरी में कोई योग कर रहा हो, कोई योग नहीं कर रहा हो, तो योग वाले की रिकवरी अच्छी हुई है। ओके, मेंटल एज वेल एज फिजिकल इसमें रोल है। अब आपने पूछा सर योगा है क्या? महर्षि पतंजलि से आज व्यापारियों पतंजलि से कंफ्यूज मत कीजिएगा, महर्षि पतंजलि से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी योग है क्या, तो दूसरे सूत्र में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है।
अब लोग क्या समझते हैं योग के बारे में, हाथ वात ऊपर नीचे कर लो, सांस ऊपर नीचे कर लो योग है। तो जब पूछा गया कि गुरु जी रुकेगा कैसे, चित्त की वृत्तियां मतलब माइंड स्टफ, तो पूरे टाइम तो दिमाग चल रहा है मेरा, तो उन्होंने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है योग। अब क्या है यम, आपके जीवन में संयम क्या क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हाइजीन कैसा है, कैसे उठते हैं कैसे सोते हैं, कब सोते हैं कब जगते हैं, सारा नियम आपके रूल रेगुलेशन क्या है लाइफ के, ग्रीड है अहंकार है धोखा है ये सब है कि नहीं है, कहा कि इसको कंट्रोल करना है, ये तो करना पड़ेगा। यम और नियम आसन, योगासन जिसको आप कहते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं है। जितनी एक्सरसाइजेज आप जानते हैं, वॉकिंग स्विमिंग जिम साइकिलिंग, योग ही एक परिपूर्ण एक्सरसाइज है जिसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से बताओ, डेविड क्लटर एक एनाटॉमिस्ट है यूएस का, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ योगा, उसने पूरी किताब लिखी कि किस तरह से मांसपेशियां ज्वाइंट्स कैसे काम करते हैं। योग योगासन अगर प्रॉपर कर रहा है इंसान तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज्वाइंट्स आपके लचीले होंगे बच्चे की तरह, एरोबिक जिसको कार्डियो लोग कहते हैं एफ ए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आप मयूरासन में गए एक हाथ पे पूरी बॉडी आपकी उठी हुई है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आर एंड बी बैलेंसिंग। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है बताइए, फार्म, इसका मैं फॉर्मूला देता हूं, योगासन इज फार्म, फ्लेक्सिबिलिटी एरोबिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। आज फॉल से सबसे ज्यादा इंजरी हो रही है 60 प्लस में, लोग गिर जाते हैं चोट लग जाती है फ्रैक्चर हो जाता है बैलेंसिंग खराब है, 40 साल के बाद माना जाता है कि बैलेंसिंग खराब होने लगती है। तो योग करने पे आप बैलेंसिंग भी करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करते हैं एरोबिक भी करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कहां से आपको हाइपरटेंशन होगा डायबिटीज होगा ओबेसिटी होगी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, अगर ये सब नहीं होगा तो कैंसर भी नहीं होगा। योगासन उसके बाद कहा प्राणायाम कंट्रोलिंग योर वाइटल ब्रेथ एनर्जी, प्राणायाम प्राणवायु को कंट्रोल कर लिया, कैसे कंट्रोल कर, सिंक्रोनाइज करना है। अब सिंक्रोनाइज से लोग ऐसे ऐसे कुछ फूंक मरवाते हैं ऐसा नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक है। लंग्स के अंदर जे रिसेप्टर होता है, जब हम इनहेल करते हैं ये फैलता है इंटरस्टिशियल्स पे, जे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व पे सिग्नल जाता है, हार्ट रेट को कम करता है, बीपी को कम कर देता है, एस्टैब्लिश है। इसी तरह से किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है ब्रेथ को हार्ट के साथ अपने पोस्चर के साथ, प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल द माइंड फोर्सेज, माइंड डिस्ट्रैक्टेड है अगर आप ये करेंगे तो आपका माइंड फोर्स कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा और आप फोकस रहेंगे लाइफ में, एम ओरिएंटेड रहेंगे, जो भी करेंगे खुशी से करेंगे, जैसे जापानीज का कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जहां मिशन पैशन वोकेशन प्रोफेशन चारों मिल जाए वही काम करो, प्रत्याहार वही देता है। धारणा ध्यान समाधि, यहां पांच तो करना पड़ेगा लेकिन धारणा ध्यान समाधि ये घटना घटित होती है, और समाधि जो स्टेज है मास्लोज नीड हायर की थ्योरी में एक स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, समाधि वही स्टेज। समाधि ये मतलब नहीं है कि आपके डेड बॉडी की मूर्ति बना दी जाए तो उसको समाधि कहते हैं, समाधि आप सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं वो समाधि है, ये योग है। अगर कोई ये करेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ पक्का श्योर, मतलब योगा से होगा, योगा से होगा।